श्री कृष्ण अर्जुन की जय। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कुरुक्षेत्र धाम में, और हम विशेष रूप से स्वागत करेंगे हमारे बीच में किसके नाम प्रेम प्रभु जी का। हरि बोल। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिज गेस्ट नाम प्रेम प्रभु जी। हिज गेस्ट नाम प्रेम प्रभु जी इज, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हिज एजुकेशन, ही हैज बीन वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन हिज एकेडमिक्स। इन 10th क्लास ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंशियल प्राइज, ही वॉज टॉपर इन द CBSE बोर्ड। और उसके बाद में प्रभु जी ने अपना इंजीनियरिंग किया IIT यूनिवर्सिटी दिल्ली से। देर आफ्टर प्रभु जी डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द प्रोपगेशन द मैसेज ऑफ भगवद गीता, और उन्होंने पंजाबी भाग में दिल्ली में अपनी सर्विसेज की। एंड ड्यूरिंग दीज सर्विसेज प्रभु जी वॉज विजिटिंग डिफरेंट कॉलेजेस, ही वॉज गोइंग टू IIT रुड़की, NIT अलाहाबाद एंड डिफरेंट कॉलेजेस ही वॉज विजिटिंग एंड कॉर्पोरेट्स इन गुड़गांव, एंड देन ही वॉज प्रीचिंग अक्रॉस द वाइड, और साथ में ही वॉज लीडिंग एंटायर कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज इन दिल्ली। एंड देर आफ्टर ही शिफ्टेड सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। So currently, Prabhuji is serving as a co-president of ISKCON Chandigarh. Hari Bol. Hari Bol. And he has been counseling and guiding many youths. And then Prabhuji is invited across the Punjab, Haryana and Himachal regions for giving talks and encouraging the devotees to accept the message of Bhagavad Gita and imbibe in their life. So it's a great fortune. Prabhuji is very busy. Somehow or other, he has accepted our invitation to come here. So we'd like to welcome him once by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. तो आप ऐसे कितने वक्त फर्स्ट टाइम आए कुरुक्षेत्र? आते ही कैसा लग रहा है आप सबको? अरे वो एंट्री आपने की ब्रह्म सरोवर में। कितनों की इच्छा हुई हम सीधे छलांग लगाते हैं सबकी, थोड़ी देर में लगाएंगे। तो कुरुक्षेत्र धाम बहुत ही विशेष है, क्योंकि कुरुक्षेत्र फेमस है, मशहूर है किस चीज़ के लिए? एक लड़ाई के लिए। सीखना है लड़ाई? तो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई जो है यहीं पे हुई है, और ये लड़ाई बस 18 दिन चली, ज़्यादा लंबा नहीं चला। रशिया यूक्रेन की तरह नहीं है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कौन क्या है। कौन किसके पक्ष में है। एंडिंग वॉर गोइंग ऑन। सो ये जो लड़ाई था बड़ा स्पेशल था, और जब ये लड़ते थे तो बहुत ही खूंखार की तरह लड़ते थे, और फिर जब बैठते थे तो एक दूसरे के साथ खूब मस्ती भी करते थे, सब कुछ भूल करके आराम से गले मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर लड़ाई करने आते थे सब। तो पहले की जो लड़ाई होती थी ऐसी होती थी, और डिसिसिव होता था, उसमें डिसीजन आ जाता था, उसमें लटका के पेंडिंग पे नहीं छोड़ते थे। तो इस लड़ाई की विशेष बात क्या थी कि इसमें स्वयं भगवान उपस्थित थे, और उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि मैं इस लड़ाई में कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्ता रहूंगा। तो ऑप्शन दिया था किसको? अर्जुन को, कि तुम्हारे पास जो है यह दो ऑप्शन, एक तरफ मेरी पूरी अक्षौणी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं निहत्ता रहूंगा। तो अर्जुन ने किसको चूज किया? कृष्ण को चूज किया। भगवान आप जहां पर हैं वहां पर विजय निश्चित है। लेकिन दुर्योधन वो बहुत खुश हुआ कि देखो कितना मूर्ख है ये अर्जुन, कितनी बड़ी सेना छोड़ करके ये किसको चूज कर रहा है? कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण को दुर्योधन कभी समझ ही नहीं पाए।
दुर्योधन के लिए कृष्ण क्या थे? एक साधारण कोई ग्वाला, कोई कुछ शक्ति है जिसके पास छल लेता है लोगों को। आजकल भी लोग, कई लोग जो है कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? कृष्ण क्या थे? थे कोई राजा थे, कोई, कई लोग तो मानते भी नहीं उनका एग्जिस्टेंस था। ये लोग क्या मानते? वो तो माइथोलॉजिकल फिगर थे, पौराणिक फिगर थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं, जबकि सारे प्रमाण है। फिर भी वो भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते। तो चूंकि दुर्योधन भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाए, इसलिए उनके कृपा से भी वो वंचित रहे। लेकिन अर्जुन थे वो भगवान के सखा भी थे और भक्त भी थे, दोनों चीजें थी। इसलिए अर्जुन ने एक सेकंड नहीं लगाया किसको चूज करने में, भगवान को फट से चूज कर लिया। कृष्णा आप मेरी तरफ रहो, मैं आपके साथ हूँ। और युद्ध के मैदान में हम देखते हैं कि कृष्ण की वजह से ही अर्जुन विजयी हुए, क्यों? कौरवों के पक्ष में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, भीष्म देव थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, ये सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। इन सबको मारने या मरवाने के पीछे किसका हाथ है? कृष्ण का हाथ है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि ये हिंसा तो अच्छा नहीं है, कृष्ण ने तो हिंसा कराया, युद्ध कराया, इसलिए हम कृष्ण को नहीं मानते हैं क्योंकि हिंसा करते हैं। और कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले रशिया में जो कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, उन लोगों ने एलिगेशन लगाया भगवद गीता के ऊपर। ये जो भगवद गीता है ये लोगों को लड़ना सिखाती है। अर्जुन जो था वो कितना सरल व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसको इंस्टिगेट किया और बोला कि तुम लड़ो, इसलिए वो लड़ा। इसलिए ये पुस्तक क्या करती है, लोगों को लड़वाती है। इसलिए इस पुस्तक को बैन करना चाहिए। रशिया में बड़ा चला था एक समय, लेकिन फिर भी जो गीता पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वो इस प्रकार के हिंसक नहीं होते हैं। एटलीस्ट हिंसा का भी अपना यूटिलिटी है। इस आग होती है, आग की भी अपनी एक यूटिलिटी है। जरूरी नहीं है कि आग से सिर्फ जलाया ही जाता है, चलो जहां मिला सब जलाए जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ये मिस यूटिलाइजेशन है किसका, फायर का। सिमिलरली वायलेंस, इट कैन बी यूटिलाइज्ड और इट कैन बी मिस यूटिलाइज्ड। पावर, पावर का सही उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो अर्जुन की जो स्थिति थी वो क्या थी? अर्जुन कह रहे थे मैं यूज ही नहीं करूंगा। उसके पास बहुत पावर थी, साधारण योद्धा नहीं था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी थे, स्किलफुल था और दिव्यास्त्र थे, इस धरती के अस्त्र भी थे और उसके साथ साथ स्वर्ग के भी अस्त्र थे, लेकिन फिर भी उसको यूज नहीं करना चाह रहा था, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कभी कभी हिंसा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना, फॉर सेटिंग द राइट थिंग एट राइट प्लेस राइट टाइम। मान लो नौजवानों को, आर्मी को
हिंसा करना हम नहीं सिखाएंगे, लड़ना नहीं सिखाएंगे, पुलिस में लोग नहीं जाएंगे, सेना में लोग भर्ती नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन वो सैनिक अगर सिविलियंस को आके मार रहा धड़ 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 धड़, तो फिर तो बड़ा क्राइम है। लेकिन वही अगर बॉर्डर पर खड़े होकर के दुश्मन से लड़ाई करता है, तो फिर वो बहुत ग्लोरियस है। तो कहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं करना, तो इसलिए अहिंसा परमो धर्मा, ये भी एक स्लोगन है, अहिंसा परमो धर्मा, बट समटाइम्स इट्स नॉट परम धर्म, समटाइम हिंसा इज धर्म। कभी कभी हमें हिंसा भी करना पड़ता है। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, उसमें एक शब्द है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का संहार करने के लिए। लेकिन वो संहार कब होता है? जब परित्राणाय साधुना, जो अच्छे लोगों की जब हम रक्षा करते हैं तो उस समय दुष्कृतियों का नाश हो जाता है। तो उद्देश्य क्या है? अच्छे लोगों की रक्षा करना, इसलिए इसको कहते हैं डिफेंस। आर्मी को हम क्या बोलते हैं? ये डिफेंस है। डिफेंस मतलब ये अटैक नहीं है, दो शब्द है, क्या क्या? अटैक और डिफेंस। इट्स नॉट अटैक, इट्स डिफेंस। आतताइयों से रक्षा करना, इन्वेडर से रक्षा करना, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। तो इसलिए गीता को बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। कई लोग गीता नहीं समझ पाते इसका क्या सिद्धांत है। तो चूंकि अर्जुन जो थे वो भगवान के पक्ष में थे, और भगवान किसको पक्ष दे रहे थे? धर्म को पक्ष दे रहे थे। तो अर्जुन ने अल्टीमेटली किसको चुना? धर्म को चुना। और कौरवों ने किसको चुना? अधर्म को चुना। जीत हमेशा किसकी होती है? धर्म की होती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर धर्म की हम रक्षा करते हैं तो फिर धर्म भी हमारी रक्षा करता है। तो धर्म किसे कहते हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज धर्मा, व्हाट इज अधर्मा, क्या है धर्म? धर्म क्या सिर्फ बाहरी चेंजेस हैं या इंटरनल चेंजेस हैं? क्या है धर्म? अब शास्त्रों को पढ़ते हो तो शास्त्रों में ये चार चीजें बतलाई गई, इसको चार पुरुषार्थ कहा गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों में बड़ा कॉम्बिनेशन, इंटररिलेटेड है। धर्म धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करना, और शास्त्र संगत होते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और फिर अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति करना, यह इस जीवन का लक्ष्य है। इन चारों चीजों को प्राप्त करना। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म से होती है। तो धर्म का मतलब क्या है? धार्यते इति धर्मा, जिसको हमने धारण किया हुआ है वो धर्म है। जैसे पानी है, पानी का धर्म क्या है? कि वो फ्लो करती, फ्लुइडिटी, फ्लो फ्लो करती है, कहीं हम डालते हो गीला करती है, उसने इस गुण को धारण किया हुआ है। अग्नि है,
अग्नि का धर्म क्या है? ऊष्मा, हीट और लाइट, प्रकाश, उसका धर्म है। तो जिस चीज को हमने धारण किया वही धर्म बन जाता है। जैसा आप सब हैं, तो अभी की अवस्था में आपका धर्म क्या है? अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। अगर स्टूडेंट है और पढ़ाई नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है और इधर उधर जाता है, यानी एक चीज नहीं करता है, क्या? पढ़ाई। और पूछो तुम क्या हो, तो मैं पीयू में पढ़ाई करता हूँ, सीयू में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ करता है। तो इसलिए वो धार्मिक है या अधार्मिक है? अधार्मिक। तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, दूसरे को कहते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। जो शरीर का धर्म है उसको कहते हैं हम क्या? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और इससे ऊपर का जो तत्व है आत्मा, आत्मा का भी धर्म है, उससे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, शारीरिक धर्म और आत्मिक धर्म, क्योंकि हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन शरीर में है, तो शरीर का धर्म भी पालन करना है, और चूंकि आत्मा है तो आत्मा के धर्म का भी पालन करना है। तो शारीरिक धर्म है वो समय समय के साथ बदलता रहता है, जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तब आपका धर्म कुछ आपको खेलना कूदना, किसी के गोद में जाना और किसी को बोलना क्या, मुझे लॉलीपॉप दे दो, केक दे दो, मेरे लिए गिफ्ट ले आओ, खिलौने ले आओ। अभी आप हो गए 20 साल के, अब आप किसी गोद में छलांग लगाओ, अब बोलो क्या, लॉलीपॉप दे दो, केक दे दो, गिफ्ट दे दो, आपको क्या बोला जाएगा? भाई तू बड़ा हो गया, ग्रो अप, कब तक तुम बच्चों की तरह रहोगे? तो बचपन का जो धर्म था वो क्या हो गया? गया। अब किसका धर्म आ गया? जवानी का। इन लोगों को जवानी का धर्म ये भी नहीं, जो लोग जवानी का धर्म क्या समझते हैं, कॉलेज जाना है और गर्लफ्रेंड बनाना है, यही इसी धर्म से जाते हैं, कौन से कॉलेज में कौन सी लड़कियां मिलेंगी, कई लोग तो कॉलेज ही इसी वजह से जाते हैं। पूछो क्यों जाते हो कॉलेज, वो मेरी प्रेरणा का स्रोत है, सी इज माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अगर वो नहीं होगी तो मैं भी नहीं होगा। तो अलग अलग आर्टिफिशियल धर्म है, इसको कहते हैं कृत्रिम धर्म, क्रिएट कर लिया। तो शरीर के अलग अलग फेजेस के अलग अलग धर्म होते हैं, और दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट ये जो आत्मा का धर्म है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, चाहे हम बचपन में हो, चाहे हम युवावस्था में हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, या फिर मृत्यु सैया पर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म नेवर चेंजेस, वो समान रहती है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म क्या चीज है?
भगवान के साथ जुड़े रहना, कनेक्शन विद कृष्णा, कनेक्शन विद गॉड, ये हमारा वास्तविक धर्म है। इसलिए उस गीता में आप देखेंगे इतने अध्याय हैं, मार काट के बीच में भगवान ने ये धर्म को स्थापित किया। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मय्य अर्पित मनोर्बुद्धि माम अनुस्मर युद्धे च। अपनी मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पित करते हुए तुम युद्ध करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। अब कोई कह सकता है कि युद्ध भूमि में ये शिक्षा तो समझ नहीं आ रही है, युद्ध भूमि में तो स्ट्रैटेजी चलती है, कौन से व्यूह की रचना करनी है, कैसे फेस करना है, किसको मारना है, ये सब ये पाठ पढ़ाना था। लेकिन कृष्ण ने उस युद्ध भूमि में क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? तो कईयों को भगवद गीता जो है वो अप्रासंगिक लगती है, इररिलेवेंट लगता है, इसका कोई युद्ध से इसका क्या कनेक्शन। तो इसमें कृष्ण यह स्थापित करना चाह रहे हैं कि युद्ध भूमि में भी ये प्रासंगिक है, तो बाकी जीवन के अन्य गतिविधियों में कितना प्रासंगिक होगा, जब युद्ध में इतना प्रासंगिक है, इतना रिलेवेंट है। तो इसलिए जो वास्तविक मूल धर्म है हम सबका वो यह है कि निरंतर भगवान से जुड़े रह करके अपनी सारी गतिविधियों को करना। जस्ट बी कनेक्टेड विथ कृष्णा एंड डू एंड कंटिन्यू आवर ड्यूटीज विथ फुल enthusiasm। उत्साह शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति के स्रोत कौन है? अब देखेंगे दुनिया में जितनी भी शक्ति है सबके पीछे क्या है? सूर्य। अगर सूर्य को हम हटा दें फिर क्या होगा? खत्म। एवरीथिंग, भोजन करते हैं, पानी है, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सन। सन के विषय में कृष्ण क्या बोलते हैं? ये मेरी आंखें। तो सन के भी, सूर्य के भी स्रोत कौन हुए? भगवान। इसलिए वास्तविक शक्ति किसी को चाहिए तो कहां से मिलेगी? जब वह भगवान से जुड़ेगा। इसलिए वास्तविक धर्म है भगवान से जुड़ना, ईस संग। समर अदर मॉडर्न आधुनिक सभ्यता इस बात पर उतना बल नहीं देती है कि हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, इस बात के महत्व को वो नहीं समझ पाती है यह कितना महत्वपूर्ण है भगवान से जुड़ना। इसलिए भगवान से जुड़ाव के विषय में वो कब चर्चा करते हैं? जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा अंत समय आएगा तब हम भगवान से जुड़ेंगे। इसलिए बाल्यकाल में, तरुण अवस्था में, कहीं भी आप देखेंगे इस प्रकार का प्रशिक्षण हम सबको नहीं दिया जाता। एक ही धर्म के विषय में सिखलाया जाता है, वो क्या है? बेटा कुछ भी कर, जेब में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है सबके जेब में। चेक करें तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये चला गया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। इसलिए कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, क्या लाओ? मनी 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 इज स्वीटर देन हनी।
इसलिए हम देखते हैं कि लोग येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए आज के समाज में करप्शन इतना ज्यादा है, गलत काम करके पैसा कमाना, सभी लिप्त हैं इस चीज में, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं लगता। क्या गलत है जी, पैसा ही तो कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा बोलते। इसलिए पहले का जो स्लोगन था, लोग कहते थे इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया कोई बात नहीं, धन क्या है, हाथों का मैल है, आएगा और जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शरीर चला गया, बीमारी हो गई तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। ये नबी के समय में ये पूरा उल्टा हो चुका है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, चरित्र गया तो क्या होगा। आजकल झूठ बोलना इतना कॉमन है कि नहीं। अब किसी से पूछो तुम कहाँ हो अभी, होगा 10 किलोमीटर पीछे, और बोलेगा क्या, बस आ गया जी, आ गया आपके, बस आपके पास ही आपके खड़ा हूँ, बस आप 2 मिनट लगेंगे। आएगा कब, 2 घंटे बाद, पता है। झूठ बोलना इतना कॉमन है, किसी को घुमाना इतना कॉमन है, गालियां देना इतना कॉमन है कि नहीं। कहीं भी जाओ, बहुत चाव से, जैसे लोग भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, है ना, वो किसका नाम लेंगे, गंदी गंदी गाली, वो एक डिक्शनरी इन्वेंशन करते हैं कि कैसे हम नई गालियां बनाएं। बहुत आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या किया, इतने तमोगुण में जा चुके हैं, गालियां देना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, डिसरेस्पेक्ट करना, ये कॉमन है या अनकॉमन है? बहुत कॉमन है। इसलिए अब चरित्र गया कोई बात नहीं, सब चलता है, कौन देखता है, कुछ भी करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। सो दिस इज नॉट कल्चर, ये सिविलाइजेशन नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्य लोगों की पहचान नहीं है, जिसमें वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, अभद्र जीवन व्यतीत करें। सोने और उठने का कोई तुक नहीं है, जो समय सोने का है वो उसमें सब जगे रहते हैं, जो जगने का समय है उसमें सब खराटे मार के। तो कल रात्रि को आप में से कितने लोग मंदिर में रुके थे, सुबह कितने लोग मंगल आरती में आए थे, कितने लोग पहली बार मंगल आरती अटेंड किया, फर्स्ट टाइम 4:30 बजे, कैसा लगा हम सबको, कितनों को बहुत आनंद आया, अरे वो तो जनरली लोग उस समय क्या कर रहे होते हैं, संडे के दिन खास करके, दे कीप ऑन स्लीपिंग। संडे मीन्स एज फॉर संडे एज फॉर स्लीपिंग डे, सोना है, सोने के लिए संडे बना है। तो न सोने का ठिकाना है, न उठने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है,
तो ये कल्चर है, सभ्यता है या असभ्यता है? दिस इज नॉट कल्चर. और ये कल्चर हमें वल्चर बनाता है. वल्चर समझते हैं? गिद्ध बनाता है. इसलिए हम देखते हैं लोग इतने गुस्से में, परेशान, दुखी, कलह, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. तो ये धर्म नहीं. तो धर्म में, धर्म जीने की एक कला है, एक धार्मिक शैली है. और गीता भगवान इस धर्म के विषय में बहुत विस्तार से बतला रहे हैं. तो अल्टीमेटली जब हम इन धर्मों के नियमों का, सिद्धांतों का अच्छे से पालन करते हैं, तो फिर वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है. और धर्म के जो केंद्र में है वो कौन है? भगवान. अब धार्मिक सारी गतिविधि कर रहे हैं, भगवान ही नहीं है बीच में, है ना? वी आर डूइंग ऑल डिवोशनल स्क्रिप्चुरल स्पिरिचुअल एक्टिविटी, बट देयर इज नो गॉड इन बिटवीन. तो क्या धर्म भगवान से अलग हो सकता है? धर्म का जो बेस है या केंद्र है या पाइवट है वो क्या है? भगवान है. अब भगवान को ही उड़ा दिया, अब बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा चलता नहीं. इसलिए अगर धर्म को समझना है तो पहले भगवान को समझना पड़ेगा. धर्म की गतिविधियों को हम कर रहे हैं तो इसके उद्देश्य के पीछे जाना होगा कि इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है. भगवान के बिना धर्म नहीं हो सकता. तो युद्ध भूमि में हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान को चुना, और फिर भगवान ने उनकी हरेक विपरीत परिस्थितियों में उनकी रक्षा की. जैसे बताया भीष्म से, भीष्म को परास्त करना इतना आसान नहीं था. द्रोण को परास्त करना, कर्ण को परास्त करना इतना आसान नहीं था. लेकिन अर्जुन ये कर पाए कि वो कृष्ण के शरणागत थे, कृष्ण उनके रथ को चला रहे थे. इसी प्रकार से जब भगवान को अपने रथ पे अग्रभाग में हम रखते हैं, तब हमारे जीवन का जो रथ है वो सही दिशा में जाता है. अगर भगवान ही नहीं है तो रथ पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसका कोई ओर छोर नहीं. तो इसलिए महाभारत, महाभारत का जो पूरा केंद्र है, महाभारत की लड़ाई, और उस महाभारत की लड़ाई का जो केंद्र है वो क्या है? भगवत गीता. तो किसी को अगर महाभारत समझना है, जनरली लोग महाभारत क्या समझते हैं? फाइटिंग, फाइटिंग के लिए. क्यों देखते हो सीरियल? फाइटिंग बड़ा अच्छा लगता है. देखा आपने महाभारत सीरियल? नहीं? वी आर चोपड़ा वाले नहीं देखा? कितने लोग देखे? सबने देखा होगा. तो जो फाइटिंग होता है, तीर जाता है, ऐसे तीर आता है, फिर एक निकल जाता है, एक वापस आ जाता है. अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग आती है. तो वो ठीक है फाइट, लेकिन जो गीता है वो उसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य संदेश है. तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, फिफ्थ वेद. चार वेद होते हैं और महाभारत को पांचवा वेद कहा गया, फिफ्थ वेद. और खास करके कलयुग के लोगों के लिए महाभारत कहा गया. महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो महाभारत में आपको बहुत सारी स्टोरीज है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत स्टोरीज है. क्योंकि लोगों को कहानियां सुनना अच्छा लगता है, और उन कहानियों के पीछे संदेश है, देयर इज ए टीचिंग बिहाइंड इट. बहुत मोटी बुक है वो. पता है उसमें कितने श्लोक हैं? 110,000 वर्सेस. ये सबसे बड़ा काव्य है.
आज तक के इतिहास में, पूरे विश्व भर के इतिहास में आप देख लीजिए, इतना बड़ा संकलन नहीं हुआ है। पुराने से पुराने सभ्यता में चले जाएं, ग्रीक सभ्यता में मिश्र की, इतना बड़ा जो रचना है वो कहीं नहीं। तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, तो लिखा किसने बताए? गणेश जी ने। गणेश जी ने कैसे लिखा? एक दंत, एक दांत तोड़ करके लिखते हैं। तो उन्होंने ये कंडीशन रखा था वेद व्यास जी ने कि जब आपको समझ में आ जाए तभी लिखना, तो इससे उनको थोड़ा टाइम लगता था तो लिखते थे। तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित यह महाभारत से बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत कहानियां। कभी आपको समय मिले पढ़ना भी, खाली सीरियल मत, सीरियल में लोग लड़ाई झड़ाई देख करके सब है ना, लेकिन आपको रियल संदेश चाहिए। इसमें बहुत सारे पर्व हैं, अलग अलग पर्व हैं, और खास करके जो भीष्म पर्व है बहुत इम्पोर्टेंट है। भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, और जीवन के जितने पहलू हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, सभी कर्तव्यों के विषय में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा और भीष्म देव ने उसको बताया। तो युद्ध से पहले अर्जुन जो थे वह विषादग्रस्त थे, और युद्ध के बाद कौन विषादग्रस्त थे? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर को भगवान भी समझा रहे फिर भी नहीं समझ आ रहा। फिर भगवान ने किसको माध्यम बनाया? विष्णुदेव को। फिर विष्णुदेव ने जब उनको शिक्षाएं दी तब जाकर के उनका जो शोक है वो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, हर एक पात्र से हम बहुत कुछ सीखते हैं। विदुर जी हैं, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, शकुनी है, दुशासन है, हीरो भी है और विलन भी है, सब कुछ है। जिस प्रकार का रस चाहिए उस सारा रस हमें मिलता है इसमें महाभारत में। तो इसीलिए आप सब इधर आए हो, तो महाभारत की जो शिक्षाएं हैं उस पर भी पठन पाठन करना आवश्यक है, और ख़ास करके महाभारत का जो जिस्ट है भगवद गीता उसको भी पढ़ें। आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है कभी? अच्छा, सब में नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं पढ़ा है गीता? नहीं, कितना स्कूल में गीता था? ये स्कूल में गुड। गीता जो है वो स्कूल में पढ़ने की पुस्तक है। गीता, गीता के बाद फिर श्रीमद् भागवतम, भागवतम के बाद फिर श्री चैतन्य चरितामृत। अगर हमें सच में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है तो इस प्रकार से गीता एलिमेंट्री बुक है, बेसिक्स इसमें फंडे, एचसी वर्मा पढ़ा आपने? एचसी वर्मा आईआईटी की प्रिपरेशन वाली, उसमें सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद रसनिक हैलिडे, हीरोडो, पता नहीं पढ़ते कि नहीं, पहले पढ़ते थे। उसी प्रकार से अगर डिवोशनल लाइफ में अगर बेसिक्स जानने हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, क्यों है, क्या है, तो सारे कॉन्सेप्ट कौन से पुस्तक से क्लियर होगा? भगवद गीता। फिर उसके बाद एडवांस वर्जन है वो, तो क्या है? श्रीमद् भागवतम। कई लोग भागवत, भागवतम और गीता एक ही मान लेते, एक नहीं। गीता कहाँ पर बोली गई है?
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कहा गया भगवत गीता। अभी हम जाएंगे थोड़ी दूर ज्योतिषर में, जिस स्थान में गीता बोली गई। और गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स। और श्रीमद् भागवतम कहां पर बोली गई है? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई, कहां पर? सुक्ताल, मुजफ्फरनगर। नहीं सुना है? मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, सुना है? तो मुजफ्फरनगर के पास एक छोटा सा स्थान है सुक्ताल, गंगा जी का एक्सट्रीम वहां पे आता है। तो उस स्थान पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुनाया। और उसमें कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है उसमें। और विस्तार से भगवान के विषय बतलाया गया है, भक्तों के विषय बतलाया गया है। उसके बाद फिर भगवान क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, ये आपको कहाँ प्राप्त होगा? चैतन्य चरितामृत। भगवान कौन है ये कहाँ पता चलेगा? गीता में। भगवान करते क्या है वो कहाँ पता चलेगा? भागवतम में। और भगवान को क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो कहाँ पता चलेगा? चैतन्य चरितामृत। इसलिए ये तीनों बुक्स हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप सब इसको पढ़ें और समझें कि क्या है इसके अंदर। ओके, तो इसीलिए अभी हम हाँ सामने, लेफ्ट राइट नहीं करना है, खाली सामने देखना है। जीवन जो है सामने देखने के लिए मिला है, लेफ्ट राइट करेंगे चले जाएंगे। ओके, तो ये जो आप सरोवर देख रहे हो, इस सरोवर का नाम क्या है? ब्रह्म सरोवर। तो इतना बड़ा है ये, है कि नहीं? ये इतना बड़ा ब्रह्मा जी ने यज्ञ कुंड बनाया था। यज्ञ होता है ना, यज्ञ में कुंड बनाया जाता है जिसमें आहुति डालते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत जो इसी स्थान से किया, इसलिए पहले यज्ञ किया तो इतना बड़ा कुंड बना दिया, यज्ञ कुंड। इसमें पानी भर गया, ये सरोवर बन गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्म सरोवर। ये बहुत पवित्र स्थान है और इस स्थान में लड़ाई भी है। पूरे कुरुक्षेत्र वाले वो कहाँ है जहाँ पर लड़ाई हुआ? लोग लड़ाई कहाँ है वहाँ? मिट्टी तो यहाँ ठीक है, लाल तो नहीं है मिट्टी। इतने खून बहे होंगे तो मिट्टी तो लाल होनी चाहिए ना। अरे पर पहली बार आता है जो कोई मथुरा जाता है, बोलते तो कंस कहाँ है? पूरे क्षेत्र आता है तो मिट्टी लाल क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके चलते हैं लोग। तो बहुत पुरानी घटना है, 5,000 वर्ष पूर्व ये घटना घटी है, तो मिट्टी लाल तो नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, खून की नदियाँ तो वही थी, करोड़ों लोग मारे गए थे और अंत में सिर्फ 5 पांडव ही बचे। इतनी सेना सब धराशायी हो गई। और चूंकि इस स्थान में लड़ाई हुई, इसलिए जितने लोग मारे गए वो सब कहाँ गए? सब स्वर्गलोक में गए, उनका एलिवेशन हुआ। इसलिए इस स्थान को चुना गया था कि यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है महाराज कुरु के नाम से विख्यात हुआ है। क्षेत्र का मतलब खेत है। तो उन्होंने इंद्र जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि मेरे इस स्थान में जिसकी भी मृत्यु हो वो किसको प्राप्त करें? स्वर्ग को प्राप्त करें। तो इसलिए सबने मिलकर के बोला कि हाँ इसी में लड़ेंगे, सब जाएंगे स्वर्ग में।
तो ये जो ब्रह्म सरोवर है अभी हम इसमें स्नान करेंगे और तो केयरफुल रहना, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करना है, चले गए बीच में छलांग लगाते लगाते। अगर आप चले गए डूब गए, हमें से किसी को भी तैरना नहीं आता, आप ये मत समझो कि हम बीच में चले या प्रभु जी आके संभाल लेंगे, कोई नहीं आएगा बचाने। इसलिए अपने शरीर की जिम्मेदारी आपकी है ना? तो उसका जो रेलिंग होगा, रेलिंग के आगे नहीं जाना और स्नान करके फिर अपना लंच प्रसाद है हमारा, उसके बाद फिर जाएंगे हम ज्योति सर, जहाँ पर भगवान ने गीता का संदेश दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है? ये क्या लिखा है? द्रौपदी कूप है ये, श्याम दरबार तो बाद में लगा है, लेकिन ओरिजिनल क्या है ये? क्या द्रौपदी कूप? द्रौपदी कूप का क्या मतलब? द्रौपदी ने भी एक प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? दुशासन के खून से मैं अपने बालों को धोऊंगी। और भीम ने क्या बोला था? मैं दुशासन का सीना चीर के तुम्हें मैं खून दूंगा। और जब तक मैं इन बालों को